पौड़ी गढ़वाल जनपद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। वहीं पीएम मोदी ने गढ़वाल जनपद को सौगात देते हुए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग का वर्चुअली उद्घाटन किया। बता दें कि लागत से देवप्रयाग में रघुनाथ कीर्ति परिसर की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण और धर्म की शिक्षा लेने आते हैं। वहीं लोकार्पण समारोह में उपस्थित ज्योतगुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देवप्रयाग में उत्तराखंड का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि सनातन के इस गौरव काल में संस्कृत और संस्कृति का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और ये केंद्र उसी परंपरा के केंद्र हैं। इसी क्रम में रघुनाथ कीर्ति परिसर के निर्देशक प्रोफेसर पीवीबी सुब्रमण्यम ने कहा कि अध्ययन की दृष्टि से यह केंद्र बहुत उम्दा केंद्र है, जहां अध्ययनरत छात्रों के लिए शहरी सुविधाओं के सापेक्ष बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। ये सनातन का गौरव काल है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर यहाँ देवप्रयाग, जो देवभूमि है, तीर्थ भूमि हमारी, यहाँ शुरुआत पहले लोग बोलते थे संस्कृत पढ़ावा क्या कर सकता है। अब लोगों में एक विश्वास जगा है कि संस्कृत पढ़ावा क्या नहीं कर सकता। हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर के, वेल्थ क्रिएशन से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में संस्कृत पढ़ने वालों ने नव कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और यह जो रघुनाथ कीर्ति परिसर है, यहाँ अब 600 बच्चों की व्यवस्था, आगे करीब 1000 विद्यार्थियों का आवासीय ये परिसर है। तो हमारी जो गुरुकुलीय परंपरा, संस्कृत और संस्कृति की जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, वो बीच में थोड़ी क्षीण पड़ गई थी। अब सनातन के इस गौरव काल में संस्कृत का, संस्कृति के उत्कर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और उसमें यह देवभूमि का, देवप्रयाग का, रघुनाथ कीर्ति जो परिसर है, जहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी शाखा यहाँ पर जो खुली है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उत्तराखंड का। खुद मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये बहुत गर्व की बात है, अभिमान का विषय है। देवभूमि देवप्रयाग के इस संगम क्षेत्र से आज हमारा एक भारतीय, सभी भारतीयों के लिए जो देवभाषा है, उसका विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा परिसर का उद्घाटन हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ऑनलाइन माध्यम से उसका उद्घाटन किया और सभी IIT IIM उनके साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भी दो परिसरों का, खास करके देवप्रयाग का, इस परिसर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे रामदेव जी यहाँ स्वयं उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी दो अयोध्या में आज रहना था, इसलिए उन्होंने वहाँ से प्रार्थना की है हमारे लिए। तो ये बहुत गर्व का विषय है, हम बहुत आनंद अनुभूति कर रहे हैं। ये अभी एक 607 छात्र यहाँ रह सकते हैं, लेकिन और 1000 छात्रों के लिए यहाँ आवास व्यवस्था के साथ शिक्षा क्रम बनाने के लिए हमारा प्रयास है।